तो भाई ये रहने वाला है अपना कैस्ट्रोल का। पक्का ब्रेक हैंड में नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडीवी व्लॉग्स। मेरा नाम है मार्क। सो यार सॉरी पहले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुकी है लेट, ठीक है, मैं डाल नहीं रहा था क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी चल रहा था क्योंकि जॉब वगैरह भी थी। और यार मेरी गाड़ी में ना प्रॉब्लम हो रखी है आज, तो आज का थोड़ा सा सीन ऐसा है कि गाड़ी को कराएंगे ठीक, क्योंकि इसको जो आगे वाला टहर है एक, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कट 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 कट, ठीक है। तो फटाफट से जाके ठीक कराते हैं, अच्छा सा एक मैकेनिक ढूंढते हैं, तो मैकेनिक ढूंढते हैं कि कहाँ पे है, क्योंकि मेरे एक भाई से बात हुई है तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार दिखा दो मेरे को लाके। तो चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आज का बेसिकली जो ब्लॉग है वो गाड़ी के लिए ही है, जो मेरी इयोन है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो करवाएंगे इसे ठीक, क्योंकि यार घूमते भी हैं तो आप लोगों को पता ही गाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, भाई भी आ गया, ठीक है, तो भाई चलें फटाफट, चलते हैं फटाफट और मिलते हैं आपको यार वहीं पर भाई के पास, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं अभी कोई आइडिया ही नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है इसमें एक्चुअली। तो मिलते गए आपको वहीं पे। तो भाई अभी हम आ गए थे भाई के पास, नेम भाई के पास, ठीक है। तो भाई गाड़ी का उन्होंने नक्का खोला, इधर पूरे ब्रेक शू घुस गए यार, ठीक है, पूरे ब्रेक शू वगैरह सब घिस गए हैं, इसलिए ना पूरी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। भाई की शॉप है यहाँ पे छायादीप के पास, ठीक है, ये रहने वाला छायादीप अपना, छायादीप के जस्ट सामने। तो नेम भाई हो जाएगा आज ये हमारा पूरा, शाम तक हो जाएगा देखो, ठीक है। भाई अभी खोल रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। मेरा हैंडल भी कांप रहा है, पता है, हैंडल भी भाई को दिखाएंगे कि मेरी गाड़ी कांप क्यों रही है। तो फटाफट से चेक करते हैं गाइस और देखते हैं कि क्या ब्रेक शू वगैरह इसकी कैसे डलवाएंगे, जेन्युइन वगैरह डलवाएंगे, कैसे डलवाएंगे। तो भाई अपना ये रहा ब्रेक शू की पूरी हो गई हालत ख़राब यार, देखो, ठीक है, पूरा घिस गया ये। और इसके चक्कर में ना पूरा ये जो प्लेट है ये भी घिस गई, बाहर निकाल दो एक मिनट, जब ये बाहर निकाल रहे भाई, अभी बाहर निकाल रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर दिखाता मैं आपको। तो भाई एक नट नहीं खोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, भाई लगे हुए कोशिश कर रहे हैं उसको नट खोलने के लिए, ठीक है, एक तो खुल गया एक नहीं खुला, तो लगे पड़े हैं भाई करने में। मैक्स तो यहाँ जाके बैठ गया, बोर हो रहा वो, तो धूप में जाके बैठ गया। कराते हैं यार फटाफट से भी, गेम चल रहा है। कितने पैसे लगा रखे? दस रुपये लगा रखे ने, 10 रुपये के 20 रुपये कर रहा है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? एक छोटा बच्चा, ठीक है, भाई का बेटा है, छायादीप वाले भाई का, गोल्डी भाई का बेटा है, ठीक है, कह रहा भैया हवा भरनी है साइकिल में। तो मैंने कहा भाई मेरे पे पंप पड़ा हुआ गाड़ी में, इसकी फटाफट से भरते थे स्कूटी में, हवा निकाल लीजिए, पंप निकाल लीजिए गाड़ी में से, स्कूटी नहीं है भाई, साइकिल है, साइकिल में हवा भरनी है इसकी, देखो पंप है इसमें गाड़ी में, आराम से निकालना, आधी चलानी है साइकिल पक्का। पापा कुछ बोलेंगे नहीं? पापा नहीं तो बोला हवा भर दो साइकिल में, है ना? पापा तो रोज कहते हैं, बस पापा। तुम डेली चलाते हो ना साइकिल यहाँ पे? नहीं, कभी कभी क्या? कभी कभी। पढ़ाई भी, पढ़ाई भी होती है, घर पे करते हो? अभी खाना देने आए थे पापा को? नहीं, खाना ले, मतलब। तो भाई ये भर रहा है हवा फटाफट, मैं भी चलाऊंगा परिजे, मैं भी चलाऊंगा साइकिल को, पक्का ठीक है। भाई गाड़ी में ना मैं पंप हमेशा रखता हूँ, तो जिससे कहीं फंसो तो। लो भाई हवा भर आगे वाले में, आगे में भी आगे तो कम हो रही है। अच्छा आगे ही कम है, मुझे लगा पीछे कम है, पीछे भी कम है, आगे भी कम है। चलो भाई आगे भर दो हवा, इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? साइकिल चलाने को, ठीक है भाई। ज्यादा हवा से तेज तो नहीं दौड़ेगी? ज्यादा हवा आने से तेज तो नहीं दौड़ेगी? भाई मैं तो थक गया यार हवा भरते भरते, तू भर दे। जा रही है भाई, तो कैसे हो जा रही है? देखना जरा, चला के लाओ पन्नी, दो एक राउंड मार के देखो, हो गई पूरी भर गई। मजा आ गया,
भाई मेरी बारी है, इसका झोला पकड़ ले। अरे कहाँ चलाएगा उसकी साइकिल, मैं चलाऊंगा। नहीं 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 भाई मैं चला, भाई लो अपने झोला पकड़ो। झोला नहीं वो झोला ही तो है। हो गई साइकिल स्टार्ट, भाई ले जा लो इसे, नहीं तो मैं इसे अपनी गाड़ी में रख लूंगा। थैंक यू, वेलकम। दोबारा बोलना जरा थैंक यू। थैंक यू। मेरे व्लॉग, मेरे व्लॉग देखोगे तुम? व्लॉग देखना तुम्हारे यूट्यूब पे आएगा, ठीक है भाई? बच्चे बच्चे यूट्यूबर बन गए भाई, गली गली में बच्चे बच्चे यूट्यूबर है भाई। ऐसा पाइप पंप सब लेकर रखो अपनी गाड़ियों में, क्योंकि कभी भी काम आ जाता है। तू भी चला ले भाई इसकी साइकिल। नहीं चलाएगा जा रहे हो अब तो? ठीक है जाओ, टाटा बाय बाय। भैया ने उस साइड का तो खोल दिया, इस साइड का भी खोल रहे टायर, इधर का भी ब्रेक शू निकल रहा है, ठीक है। इधर का तो भाई खुल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो गई यार। गाड़ी भी ना गंदी हो रही, देखो कितनी गंदी हो रही है मेरी गाड़ी, इसको वॉश भी करवाना है पूरा। ये खोल दिया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से खुला। अब आएंगे इसके ब्रेक शू क्या ला? मैं तुम सोच रहा कि तू लेकर आ जाइयो फटाफट से ब्रेक शू। हाँ ठीक है, देखते हैं भैया ले आएंगे या भैया ले आएंगे या हम ले आएंगे, कोई भी ले आएगा या भैया के पास होंगे, कोई भी ले आओ। देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कितना देर लगेगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा मेरे को लग रहा, फटाफट से डल जाएंगे। ज़्यादा टाइम, तेरे को भूख तो नहीं लग रही है? चलें कोक कोक खाने, बिरयानी थोड़ी देर में देखते हैं यार। इसको बिरयानी खाने का मन हो रहा है, मैं कह रहा था इसको बिरयानी भी खा ले आते हैं। तो गाइस मैं चले गया था अपने माउंट ये ठीक करवाने के लिए, इनको पूरा ठीक करवाया, बैलेंस करवाए, क्योंकि पूरे घिस गए थे, ठीक है। और मैं सोचा कि गाड़ी की सर्विस भी करा दी जाए, ठीक है। मैं सामान भी ले आऊँ अपनी गाड़ी की सर्विस के लिए, देखते हैं फटाफट से सर्विस भी करवाते हैं कि इसका। पहले तो वो भी चेंज करवाते हैं, जो ब्रेक शू है वो चेंज करवाते हैं पहले, ठीक है। और यार इसका ना एक स्टड भी टूटा हुआ है, देखो कि नहीं, इसका एक नक्का भी टूटा हुआ, स्टड टूटा हुआ, ठीक है। इसको भी रिप्लेस करवाते हैं, क्योंकि मैं स्टड लिया है उसका भी, ये भी लगवाते हैं इसमें, ये रहा पूरा हट गया है वो। तो गाइस भैया लगा रहे भी वापस से ब्रेक शू, क्योंकि भैया और मैं गए थे सामान लेने के लिए मार्केट, यहाँ पे ब्रेक शू लगा रहे यार वापस से ना। और इसका ये जो माउंट है ये भी ख़राब हो रखा था, ठीक है, ये भी पूरा रिपेयर कराया हमने, ठीक करवाया। डिस्प्ले पूरी बैलेंसिंग करके दी ना भैया उसने, पूरी बैलेंस हुई है, ठीक है, दोनों तरफ की। तो दिलवाते हैं इसे और गाड़ी की सर्विस भी कराते हैं, क्योंकि गाड़ी की सर्विस भी नहीं हो रही थी, गंदी कितनी हो रही है यार। उस दिन हम गए थे जब घूमने, तो उसके बाद से गंदी थी गाड़ी, पार्किंग में ऐसी खड़ी हुई थी। तो इसे फटाफट से साफ भी करवाते हैं और गाड़ी को सर्विस भी करवाते हैं। भाई अभी हो गए अपने दोनों टायर रेडी, ठीक है, भाई ने दोनों टायर रेडी कर दिए हैं और अभी अंदर से निकाल रहे हैं इसका इंजन ऑयल के लिए, खोल रहे हैं अंदर लॉक होता है ना वो खोल रहे हैं, ठीक है। अभी फटाफट से इसका पुराना वाला इंजन ऑयल निकालेंगे और नया वाला इंजन ऑयल इसमें डालेंगे, ठीक है। और मैं कैस्ट्रोल का लेकर आया, मैग्नेटिक लेकर आए ना हम लोग, मैग्नेटिक कैस्ट्रोल का एक मैग्नेटिक आता है वो लेकर आए हुए, ठीक है। फटाफट से उसे चेंज करवाते हैं और एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सारी चीज़ इसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यार गाड़ी की सर्विस भी नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत टाइम हो गया था गाड़ी की सर्विस भी नहीं हुई थी, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा कि जब इतना काम हो ही रहा है तो गाड़ी की सर्विस भी करा देता है, ठीक है। तो फटाफट सर्विस कराते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ऑयल फिल्टर कौन सा है और आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सारी चीज़ मैं लेकर आ रखा हूँ टोटली, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको कि कैसे डल रहा है। तो भाई ये रहने वाला है अपना कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल, ठीक है, और ये अपना एयर फिल्टर आ चुका है एलोफिक का, ठीक है, पूरा एयर फिल्टर है हमारा। और ये अपना ऑयल फिल्टर, ये भी एलोफिक का ही है, ठीक है। पुराने वाले की तो हालत यार पूरी ख़राब हो रखी है, ठीक है। ऑयल फिल्टर भी अभी निकलेगा, देखते पूरा भाई पूरा काला हो रखा है देखो, ठीक है। और मैं यार मेरे आगे का एक हेडलाइट भी ख़राब हो रखी है, तो उसके लिए भी एक मैं बल्ब लेकर आया हूँ, 9000 है ना भैया, ये है 9000, ठीक है। इसे डलवाते हैं वन बाय वन। भैया ने खोल दिया नीचे का नक्का और ऑयल निकलेगा अभी उसमें से, पूरा दिखाता हूँ मैं आपको कि पूरा ऑयल अभी हो रखा ख़राब। भाई अपना निकल गया एयर फिल्टर, ठीक है, भाई भी इसे डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि पुराना वाला ना खुल नहीं रहा था, इसके अंदर होता है यहाँ पे फोने में,
तो डालते हैं यार, पुराना वाला टाइट हो रखा था बहुत ज़्यादा, भाई को बहुत दिक्कत हुई खोलने में क्योंकि खुल नहीं रहा था वो। भाई एयर फिल्टर जा रहा है अभी, एयर फिल्टर भाई ने इंस्टॉल कर दिया नया वाला अपना। तो भैया अभी खोल रहे हैं इंजन ऑयल के लिए, इन्होंने यहाँ से एक नट खोला बड़ा सा, तो कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल से ना मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। ना भाई इंजन ऑयल भी जा रहा है अंदर, गाड़ी भागी की अब मक्खन बिल्कुल। कितने लीटर का होता है भैया, कितने लीटर का होता है? 3.5 लीटर का। तो भाई अभी इंस्टॉल हो रहा है अपना आगे वाला बल्ब, क्योंकि वो फ्यूज हो गया था, हाई बीम नहीं जा रही थी, लो बीम पे तो काम कर रहा था पर हाई बीम पे काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इसे भी चेंज ही करवा देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी की सर्विस हो रही है तो फिर ये भी चेंज करवाते थे। दो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है बस। अपना पुराना वाला तो यार ये रहा, ठीक है, नीचे का पूरा फ्यूज हो रखा है। चलो ये भी डल ही गया। तो भैया डाल रहे हैं अभी यहाँ पे एक स्प्रे, भैया कौन सा स्प्रे है ये? टोटल बॉडी स्प्रे है। टोटल बॉडी स्प्रे है। अच्छा चलो चलो करो स्टार्ट, गाड़ी बंद हो गई। से कर रहे हैं भाई पैक, इससे क्या होता है भैया? तो जो कचरा होता है अंदर सेंसर साफ हो जाता है। अच्छा सेंसर में जितना भी जो गार्बेज वगैरह कुछ कूड़ा वगैरह कुछ भी जमा होता है तो उससे वो क्लीन हो जाता है। तो भाई देखो गाड़ी की हो रही है इस समय अभी बैलेंसिंग, ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा होगा एक धागा है खींच के रखना। तो यार पहले के टाइम पे ना ऐसे बैलेंसिंग हुआ करती थी, भैया देखो पूरा धागे से ऐसे नाप रहे हैं, जहाँ पे भी कमी पेशी होगी भैया उसे वहां से टायर के अंदर से स्क्रू से टाइट करेंगे। भाई पकड़ रहा है अपना, नीचे करो जहाँ पकड़ा था भाई, ऊपर थोड़ा सा बस खींच के, ठीक है अलाइनमेंट तो सही है, अलाइनमेंट ठीक है भैया? हाँ ये रहा ना, हाँ ठीक है अलाइनमेंट ठीक है भाई अपनी गाड़ी की, हमें कराने की जरूरत नहीं है, ये देसी है यार, देसी जुगाड़ है ये, पहले के टाइम पे यही चलता था। तो गाइस अभी गाड़ी की सर्विस भी हो गई है, ठीक है, और अपने ब्रेक शू भी डल गए हैं, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर सब कुछ डल गया है, भैया ने पूरा अच्छे से पूरा काम कर दिया अपना गाड़ी का, ठीक है गाड़ी रेडी हो गई, पर थोड़ी सी गंदी जरूर हो रही है यार ये, ठीक है इसे फटाफट से करवाएंगे, धुलवाएंगे या खुद धोएंगे, ठीक है। तो भाई तू धोएगा गाड़ी? संडे को धोने का बोल रहा है, इससे पहले तो मैं ही धो लूँगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता अभी, गाड़ी को हमने स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है कुछ देर के लिए कि जिससे अपना गाड़ी थोड़ी रमा हो जाए, जो उसका इंजन ऑयल है वो पूरा इंजन में जाने पाए अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट से भैया भैया की पेमेंट करते हैं और देखते हैं कितना है, ये गोल्डी भाई भी ना हाई कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड जो भी छोटा सा बच्चा था वो गोल्डी भाई का ही था, ठीक है। तो यार ब्लॉग में भी आएंगे गोल्डी, मैंने बोला मेरा पूरा छायादीप दिखा दो आज, ये पूरा भाई का छायादीप है। तो फटाफट से चलते पेमेंट करते हैं भाई की, ठीक है, और देखते हैं राउंड मारते हैं कि कैसी अभी परफॉर्मेंस हम लोग को दे रही है हमारी गाड़ी। तो फटाफट से चलते हैं। सो गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, मक्खन चल रही है मक्खन, ठीक है, पूरी सर्विस करवा दी है, सब कुछ करवा दिया है। तो होप आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ये मैं वीडियो भी अपने यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और यार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को मार्क देहरादून ब्लॉग्स MDV, ठीक है गाइस। तो मेरा आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लव यू।